झारखंड पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, लेकिन युवा वर्ग लगातार नशे की जद में जा रहे हैं और तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं। ताजा मामला रामगढ़ का है, जहां नशे की जद में आए युवाओं ने डोमिनिक क्रिमिनल गिरोह बना डाला और अब इसके माध्यम से तरह तरह के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रामगढ़ में सक्रिय हुआ डोमिनिक क्रिमिनल गिरोह, शहर में फल फूल रहा नशे का कारोबार, विरोध करने पर लोगों की पिटाई, पुलिस ने किए कई सामान बरामद। रामगढ़ के युवाओं को इन दिनों नशे की लत लग गई है। लत ऐसी कि अगर कोई विरोध करे तो उसे पीट पीट कर लहूलुहान करने में भी पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला शहर के जारा बस्ती के पीछे वन क्षेत्र का है, जहां डोमिनिक क्रिमिनल गिरोह ने जन्म लिया है और ये गिरोह लगातार युवाओं को अपने आगोश में ले रहा है। विरोध करने पर ये गिरोह सीधे हमला कर रहे हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से युवक उफान पर हैं और मारपीट को उतारू हैं। तो मना किया, बोतल मत फोड़ भाई, यहाँ पे घूमने फिरने का जगह है, तुम खुद आए हो, कहाँ से फोड़ोगे, खुद के गड़ेगा। तो फिर असभ्य भाषा में बोला, फिर एक उसमें जो पिए खाया था उन लोग का अटैक कर दिया डायरेक्ट, जो बोतल फोड़ा था वो लाया डायरेक्ट, काट दिया, हाथ काट दिया, रड निकाल दिया गाड़ी से, बेसबल्ला से पाइप निकाल दिया लोहा का, मारा उससे। हम लोग तीन लोग थे, तीनों लोग को मारा। मतलब इन लोग का फिर पता चला है कि इन लोग कोई ग्रुप बना के रखा है, क्या बोलते हैं उसको, डोमिनिक क्रिमिनल कोई ग्रुप, और इन लोग उसी के माध्यम से जुट उठता है और मारपीट करता है और नशा करने के लिए इतना दूर दूर आता है हम लोग का क्षेत्र में। हालांकि मामले में घायल युवकों ने रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और जब पुलिस घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची तो वहां स्कूल बैग के साथ साथ कई युवकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, उम्मीद है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा और गिरोह के गुर्गे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। क्या लगता है ये मामला सर, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ लगता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे और उन्हीं का बैग छूटा होगा, देखने से तो यही लग रहा है, और उसमें जो सामान मिला है उसको हम लोग अभी जब्त कर रहे हैं, जब्त करके फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परसों एक घटना घटी थी, कल उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें लोग के द्वारा आरोप लगाया है कि जो भी स्टूडेंट के एज के 18, 20, 22 के एज के लड़के थे, उन लोगों के बीच मारपीट की घटना घटी थी और उसमें एक FIR दर्ज किया गया है। और ये जगह जो है ये जारा बस्ती में श्मशान घाट के पास में है और आज ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया गया, उसी सूचना पे हम लोग यहाँ आए हैं और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, तमाम पहलुओं पर जांच की कर रही है, लेकिन शुरुआती दौर में जो छन के आए हैं कि छात्र इसमें शामिल हैं, अभिभावकों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए और पुलिस के लिए और एक समाज के लिए भी ये चुनौती है कि क्या अब पढ़ने लिखने वाले छात्र भी जो है नशा लेकर जो है इस तरह के गिरोह को ज्वाइन करेंगे। इसे रोकना होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। न्यूज 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। तो जहां एक तरफ नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, वह दूसरी तरफ नए नए गिरोह जन्म ले रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, रामगढ़ में एक गिरोह जो नया नया अभी सामने आया है और नशा करता तो करता है, साथ ही ये डोमिनिक क्रिमिनल ग्रुप क्राइम भी कर रहा है, पूरी जानकारी दें। निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो ये मामला काफी गंभीर है, क्योंकि अगर कोयलांचल की बात करें तो कल तक यहाँ पे सिर्फ पांडे गिरोह या सुशील श्रीवास्तव गिरोह सक्रिय थे, जो कि एक तरह से कहे हत्या, लूट और इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे। लेकिन 48 घंटे पहले पतरातू बस्ती में युवाओं के बीच एक मारपीट होती है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि डोमिनिक क्रिमिनल गिरोह का पर्दाफाश होगा। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस गिरोह में जो भी बच्चे हैं वो सभी छात्र हैं, यानी स्टूडेंट हैं। पतरातू बस्ती के वन विभाग से जो दस्तावेज मिले हैं, जो घटना स्थल पे जो दस्तावेज मिले हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, छात्रों के ID भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ वहां पे जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये पूरा बता रहा है कि कैसे जो है छात्र एक तरह से कहे मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने नाम भी अजीबो गरीब चुना है, डोमिनिक क्रिमिनल गिरोह। फेसबुक और इंस्टाग्राम ID भी इनका पाया गया है, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाम से
इंस्टाग्राम आईडी भी चल रहा है, और जो अब तक जो शुरुआती दौर में जो बातें छन की आ रही है कि इसमें सभी छात्र हैं, वैसे छात्र हैं जो रामगढ़ के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ते हैं और बजाबते कहें कि स्कूल को बंक मारकर जो है इस तरह के सुनसान जगहों पर जो है नशे का सेवन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक लंबी फौज है जो कि आए दिन जो है मारपीट भी विभिन्न स्थानों पर करते हैं, क्योंकि जिंदा कारतूस बरामद होना ये कोई आम घटना नहीं हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि धीरे धीरे अब इनकी जो है संलिप्तता आपराधिक घटनाओं की ओर बढ़ रही है, जो कि काफी चिंताजनक है, चाहे वो रामगढ़ के अभिभावक हो या फिर रामगढ़ के जो प्रतिष्ठित स्कूल है जिनके यहाँ के ये छात्र है उनके लिए भी चिंताजनक है और समाज के लिए भी ये चिंताजनक है कि अगर नौनिहाल बच्चे छात्र स्टूडेंट अगर इस तरह के अगर गिरोह चलाएंगे तो आखिर समाज का भविष्य क्या होगा, जो काफी चिंताजनक है। ऐसे मामले में पुलिस अब छानबीन कर रही है और 48 घंटे बाद आज घटना स्थल पर जो है लगभग पुलिस पहुंची थी और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। धर्मेंद्र, तो अब जो गिरोह सामने आया है डोमिनिक क्रिमिनल गिरोह, और जब इस मामले में जांच हो रही थी तो कारतूस बरामद किया गया है, सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है। आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, नया गिरोह सामने आया डोमिनिक क्रिमिनल गिरोह, छानबीन में गोली पकड़ी गई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस गिरोह का पुलिस खुलासा करेगी और जो बच्चे इसके जद में आ रहे हैं, जो युवा इसके जद में आ रहे हैं, वो आखिरकार बच सकेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।